फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज एक बार मैं फिर अपनी एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, जिसमें मैं किड्स डायपर की बात करने जा रही हूँ, जो क्लोथ डायपर होते हैं। आपने मैक्सिमम वीडियोस में देखा होगा क्लोथ डायपर होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी वीडियोज़ में देखने को मिलता है। लेकिन मैंने जो इसमें देखा है, नोटिस किया है, वो मेरी थॉट जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपके साथ इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अब्जॉर्ब किया है अपने बेबी के लिए। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये मैंने यूज़ किया या नहीं किया। तो देखिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बनी रहिए मेरी वीडियो के साथ, इसे एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्लोथ डायपर की। क्लोथ डायपर जो होते हैं ये इस तरीके के कुछ दिखते हैं। ये आपको ऑनलाइन साइट्स पर मिलते हैं ज़्यादातर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का ये दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट में इसके बटन दिए गए हैं, ये बटन इस तरीके के दिए हैं, जिसमें आप इसमें लार्ज, स्मॉल और इसे मीडियम कर सकते हैं साइज़ में। इस तरीके से ये देख दिए गए हैं। अंदर से आप देख सकते हैं इसमें जो फैब्रिक लगा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा पी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो आउटसाइडर इसका जो स्टफ़ दिया गया है, इससे ये क्या होता है कि वाटरप्रूफ रहता है, बाहर नहीं आता है पी। इस वजह से ये इसका बाहर का हिस्सा दिया गया है। इसके साथ देखा जाए तो चारकोल बैम्बो का इस तरीके का ये दिया जाता है, जिससे कि आप इसमें इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट कहाँ से करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर एक दिया होता है होल, क्योंकि इसे पॉकेट डायपर्स कहते हैं, तो ये पॉकेट की तरह होता है। इसमें आप इसको एडजस्ट करते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको ये एडजस्ट करके बीच में लगाना होता है। ये देख सकते हैं आप, मेरा हाथ इसके अंदर है, ये एडजस्ट कर दिया है मैंने, ये इस तरीके का हो गया है। ये देखिएगा इस तरीके से, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है अंदर से, ये जैसे आप देख सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है, इसको लेने से आप बच्चों को जब पहनाते हैं इसको, तो ये जैसे डायपर्स जो होते हैं, कहते हैं उसमें केमिकल होता है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पहनाने से प्रॉब्लम भी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, जो कि क्लोथ डायपर में नहीं होते हैं। तो ये क्लोथ डायपर में यही बेनिफिट होता है कि इसमें अगर आप इसको बच्चों को पहना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उनके रैशेज़ नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो क्लोथ होता है, इसमें एक तो कोई दवाई नहीं मिली होती है, और दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो आप इसको वॉश कर सकते हैं। इसे वॉश करने के बाद आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं, और इसका वो काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसके ये बेनिफिट है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको साइज़ का बता देती हूँ। इसमें इस साइड को, ये जो आप देख रहे हैं दो इसमें बटन दिए गए हैं, और बाकी बटन इस साइड को दिए गए हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको स्मॉल साइज़ में करना है, तो आप ये ध्यान से देखिएगा, जो नीचे की थर्ड लाइन है, ऊपर से देखेंगे तो फोर्थ लाइन है नीचे की, इस तरीके से आपको क्या होना है, ये चिट बटन इस तरीके के आपको दबाने हैं। ये थर्ड लाइन है, ये इसके ऊपर की लाइन है। फर्स्ट लाइन बिल्कुल आप भूल जाइए। सेकंड लाइन जो है, यहाँ से लेकर आप फर्स्ट लाइन का जो है, नीचे से बॉटम से फर्स्ट लाइन है, इन दोनों को ही आपस में मिला दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से करने से ये सबसे स्मॉल साइज हो जाता है बच्चों के लिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये स्मॉल हो गया है। देन आप जो ये ऊपर वाली रो के बटन थे, इसमें ये बच्चे की कमर पे बांधने के लिए दिए जाते हैं, कि आपको किस हिसाब से एडजस्ट करना है, बेबी की कमर कितनी मोटी है, पतली है, उस हिसाब से आप इसको बांध सकते हैं। ये देखिएगा, ये इसका स्मॉल साइज हो गया है, देख सकते हैं आप कितना छोटा सा हो गया है ये इस तरीके से। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका मीडियम साइज। मीडियम साइज के लिए आपको क्या करना है, लास्ट वाली लाइन को छोड़कर आप देख सकते हैं ये बीच में जो सेकंड लाइन है नीचे से, और ऊपर से सेकंड लाइन है, इन दोनों ही बटनों को मिलाना है। ये तीन तीन बटन दिए गए हैं इसमें, इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से मिलाने से ये मीडियम साइज बन जाता है, पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा, ये देख सकते हैं आप। और वही कमर का हिसाब वही है कि इसमें बटन आप देख सकते हैं किस बटन पे आपको लगाना है, जिस बटन पे आपको लगता है बेबी की बैली इसमें फिट हो जाएगी, आप उसे अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और अगर आपको लार्ज साइज चाहिए तो आप इसको बिल्कुल भी ना लगा के डायरेक्ट बेबी को पहना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बेबी जब पहनेगा प्रॉपर उसको फिट आएगा।
अब मैं आपको बता देती हूँ, इसको जो है आप इसे वॉश कर सकते हैं, इसे मशीन वॉश भी आप कर सकते हैं मशीन से, और हैंड वॉश भी कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये चारकोल बैम्बो है। अगर आप इसे वॉश करते हैं तो आपको बाहर से और अंदर से ये दोनों ही चीज़ों को वॉश करना पड़ेगा अच्छे से। ये देख सकते हैं, इसको भी और इसको भी। अब मैं आपको इसका लॉस बता देती हूँ। सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ कि अगर आप ये विंटर टाइम में लेते हैं, आपको जो है एक सेट में 800 या 900 के मैक्सिमम, अगर आप डिस्काउंट में देखेंगे अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो आपको 800-900 के 5 to 6 मिनिमम 5 या 6 के अराउंड ही मिलते हैं इसमें आपको पैकेट ये पेन। अगर आप देखें तो 800 के अगर आप लेते हैं, अगर आप 12 भी मंगा लेते हैं या थोड़े से ज़्यादा भी मंगा लेते हैं, सर्दियों में बच्चे जो है ज़्यादा पी करते हैं, जिस वजह से आप इसे यूज़ करते रहेंगे 3 से 4 घंटे भी अगर बच्चा इसे अब्जॉर्ब कर लेता है ये बच्चे के पी को, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप इसे वॉश करेंगे विंटर्स टाइम पे, लेकिन ये सूखने में बहुत टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा, जो कि इजीली ये ड्राई नहीं होता। अगर आप दूसरा यूज़ करेंगे, तीसरा यूज़ करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन ये क्या होता है, पहले वाला ही ड्राई होने में बहुत टाइम लगा देता है, जिस वजह से आपको क्या होता है, लास्ट में घूम फिर के उसी डायपर्स पे आना पड़ता है जो कि आप ऑलरेडी आप यूज़ करते आए हैं डायपर्स, विदाउट क्लोथ डायपर्स, ठीक है। दूसरा मैं इसका ये आपको बता देती हूँ, सबसे बड़ा लॉस जो मैंने जब मेरी बेबी फर्स्ट 1 मंथ की थी तब मैंने ये डायपर्स मंगाए थे उसके लिए, बट मैं लिटरली बता रही हूँ वो 4th मंथ की कंप्लीट हो चुकी है, बट मैंने आज तक ये डायपर यूज़ नहीं करे हैं। रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये डायपर्स आप देख रहे हैं, आप खुद देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, ये देखिए, इतना बड़ा अगर आप बेबी को पहनाएंगे, मैं आपको एक लगा के एक बार दिखाती हूँ, अगर इतना बड़ा डायपर आप पहना रहे हैं बच्चे को, तो उसके पैर आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितने चौड़े हो जाएंगे, उसका एक पैर ऐसे निकलेगा और एक पैर ऐसे निकलेगा, यानी अगर वो स्ट्रेट करना चाहे स्ट्रेट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चों को, तो बच्चे जो होते हैं वो अपने पैर सीधे नहीं कर पाते, आप जिस अकॉर्डिंग उनके पैर को रखेंगे वो वैसे ही सेट हो जाएंगे। बाद में इसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चों के जो पैर होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाता है और वो चलने में प्रॉब्लम होती है, ये सबसे बड़ा इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी वजह से मैंने यूज़ नहीं करा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपनी बेबी को पहनाया था तो उसके जो पैर थे उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिखने लग गया था, और इतने चौड़े गैप में बच्चा कैसे कंफर्टेबल फील करेगा। अगर आप इसे समर में पहना रहे हैं तो वैसे तो समर के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है डायपर्स की, ज़्यादातर लोग कॉटन के ही कपड़े पहनाते हैं, पजामिया पहनाते हैं, उसको चेंज कर देते हैं क्योंकि उस पर सूखना भी ईजी होता है, लेकिन विंटर्स टाइम पर मैं बता रही हूँ, आप इतना चौड़ा अगर पहनाते हैं तो आप इसको पहना के तो सिर्फ रखेंगे नहीं, आप ऊपर से इसको कुछ पहनाएंगे बच्चे को, पजामी पहनाएंगे या कुछ भी उसके ऊपर से आप इसको पहनाते हैं, तो ये कैसे पहनेगा बच्चा, इतना मोटा तो ये पहले से ही है, इतना मोटा होने के बाद बच्चा कैसे कंफर्टेबल फील कर सकता है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप कैसे कंफर्टेबल फील होगा इसमें, क्योंकि ये इतना मोटा है और इतना सा बच्चा तो होता ही है उसमें, इसके अगर इसमें से वो ऐसे करके पैर निकाल ले, आप खुद देखिएगा इतने से उसका पैर निकलेगा, इतना सा स्पेस है पैर निकालने के लिए, वो पैर निकालेगा उसका पैर यूं इस साइड इस डायरेक्शन में निकलेगा, तो कैसे वो कंफर्टेबल फील करेगा, आप उसे खुद देखेंगे उसका जो है बॉडी ऊंची नीची हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पीछे से भी मोटा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है चारकोल बैम्बो लगा है, पीछे से भी मोटा हो जाएगा और आगे से भी मोटा, तो इससे क्या होगा, उसकी पीठ तो ऊंची हो जाएगी और उसका सर पीछे को चला जाएगा, ये हो गया उसकी बॉडी का टेढ़ा मेढ़ापन, और दूसरा हो जाएगा उसके पैरों का डिस्टेंस, जो कि पैरों में उसके काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में ये जो है बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है छोटे बच्चों को। अगर आप देखें तो बड़े बच्चे जो कि अपने चलना सीख गए हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर आप चलने वाले बच्चों को पहनाएंगे जो अच्छे से चल लेते हैं, तो उनके में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो चलना सीख गए हैं, वो अपने पैरों के बीच में गैप जानते हैं किस तरीके से मेंटेन करना है, और ये उनके लिए इतना बड़ा नहीं भी होगा क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये छोटे बच्चे के लिए खरीदें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ में हम यही चेक करते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि थोड़ा बच्चा बड़ा होता जाता है तो हम समझते रहते हैं कि उसे कब पी आई है, कब उसे पोटी के लिए जाना है,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, छोटे बच्चों के साथ, और छोटे बच्चों को ही इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं यूज़, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर जो मैंने इसे फील किया है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो इसका साइज़ है साइज़ देख के ही मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पहनाया, 4 मंथ की हो गई है वो, लेकिन अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनाया है उसे, सिर्फ इसी रीज़न से क्योंकि जो पैरों का डिस्टेंस है आप ये खुद देख सकते हैं कि बच्चा इसमें कैसे रहेगा, कि इतना इतना तो उसका बैली थोड़ी सी इससे बड़ी बैली होती है, और क्या, इससे बड़ी बैली, इससे थोड़ी सी बड़ी बैली होती है, इतना बड़ा उसके पैरों में गैप आ गया है और वो कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा इसमें, ये देखिए। फ्रेंड्स मैं कुछ टाइम में एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कौन सा डायपर आपके बेबी के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने काफ़ी डायपर्स यूज़ करे हैं और मैंने कौन से रिजल्ट देखे हैं, किसके बेस्ट है, वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि आपको कौन सा डायपर खरीदने में कम्फर्टेबल रहेगा। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि एब्जॉर्बिंग पावर अगर अच्छी ना हो डायपर्स की तो बेबी भी कम्फर्टेबल फील नहीं करता और आप बार बार बदलते रह जाते हैं डायपर्स को। आप कम से कम अगर 3 से 4 घंटे में तो देखो डायपर बदलना ही पड़ता है, लेकिन उसमें भी अगर बच्चे का को ढंग से कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा और अब्सॉर्ब नहीं हो रहा और सिर्फ डायपर की वजह से अगर उसको कोल्ड हो जा रहा है या ठंड पकड़ रही है तो मुझे नहीं लगता वो डायपर का कोई यूज़ है। तो इसीलिए अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ आप उसको देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं जो भी मेरी वीडियोज़ होती है मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगे और समझ में बिल्कुल अच्छे से आए। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू के साथ अपनी वीडियो लेकर आऊँगी कि आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल और नीचे जो बेल आइकन का बटन दे रखा है उसे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि मेरी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।